प्रदेश के सात खोड़ विद्युत वितरण केंद्र पर हुआ मुख्यमंत्री विद्युत बिल राहत योजना का शुभारंभ। कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन में बनी विषम परिस्थितियों में आम आदमी की आमदनी प्रभावित हुई थी, जिसको ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 88 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि और अतिरिक्त भार की राशि को माफ करने का निर्णय लिया गया था। इसी दौरान 2021 में समाधान योजना के अंतर्गत राहत देने हेतु उपभोक्ताओं को विद्युत बिल 60% छूट देते हुए जमा करने का आह्वान किया गया था, परंतु कुछ उपभोक्ताओं के द्वारा उस स्थिति में भी बिल जमा न करने के चलते अब सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 अगस्त 2020 तक के सभी राशि को माफ करते हेतु घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम हर विद्युत वितरण केंद्र पर करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में खोड़ विद्युत वितरण केंद्र पर जेई सुमित वर्मा और समस्त विद्युत कर्मचारियों के समक्ष घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र खोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष किरण सिंह लोधी के द्वारा वितरण कराए गए। इस दौरान खोड़ विद्युत वितरण केंद्र के 8,882 विद्युत उपभोक्ताओं को 4,92,58,688 रुपये की राशि माफ की गई है। खोड़ से आबिद की रिपोर्ट। सर, मुख्यमंत्री विद्युत राहत योजना का शुभारंभ हुआ है आज, ये पूरी योजना क्या है और किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा? जी, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मुख्यमंत्री विद्युत बिल माफ़ी योजना सन 2022 जो लागू की गई है, उसके संबंध में आज पूरे मध्य क्षेत्र में माफ़ी योजना के प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ये था कि पूर्व में अगस्त 2020 में 1 किलो वाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं की जितने भी बकाया राशि थी, वो बकाया राशि को इस योजना के तहत माफ़ किया गया है। इस योजना में पहले ये हुआ था आपका कि समाधान योजना लागू की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि आपको 60% जमा करके 40% आपको छूट दी जाएगी, किंतु उसके बाद शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया कि वो जो हम 60% पैसा हमने जो जमा कराया था उसको भी जमा करने में गरीब किसानों को उपभोक्ताओं को अतिरिक्त समस्या हो रही थी, क्योंकि जो कोरोना से जो नुकसान हुआ था वो नुकसान की भरपाई अभी तक शायद उन लोगों की हो नहीं पाई थी। इस वजह से शासन द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हम पूरे बिल उनको माफ़ करेंगे अगस्त 2020 तक के जितने भी हैं, तो इस योजना में वो बिल अपन ने शामिल किए हैं। और अपने खोड़ वितरण केंद्र से मैं बताना चाहूँगा आपको कि पूरे खोड़ वितरण केंद्र पर हमारा जो है लगभग 11 करोड़ के आसपास का बकाया राशि है आज की तारीख में, जिसमें से ये शासन के द्वारा जो योजना निकाली गई आपकी मुख्यमंत्री विद्युत बिल माफ़ी योजना सन 2022, उसमें आपके खोड़ वितरण केंद्र की ओर से 8,882 उपभोक्ताओं के बिल माफ़ किए गए हैं। 8,882 उपभोक्ताओं के बिल माफ़ किए गए हैं, जिनकी कुल राशि आपकी 4,92,58,688 रुपये है। ये तो कुछ बिल बकाया थे, जिन लोगों ने उपभोक्ताओं ने अपने बिल समय पर भरे हैं उनको किस तरह से लाभ मिलेगा इसका? जी, जिन लोगों ने समाधान योजना में अपने 60% राशि जमा करके 40% की माफ़ी योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके लिए भी इसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा समाधान निकाला गया है कि जो बिल आपने जमा कर दिए थे समाधान योजना के तहत 60% राशि, उस राशि को आपके आगामी अप्रैल 2022 के बिलों में घटा करके दिया जाएगा। वो जो आपके बिल जमा कर दिए हैं वो राशि आपके अगले बिलों में समायोजित कर दी जाएगी, जिससे कि वो राशि आपकी बिलों में ही वापस हो जाएगी स्वतः ही।